मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ। करीब 3 या 4 महीने पहले हम मिले थे, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने मैम से डिस्कस किया था, तो इन्होंने मेरे को तुरंत बोला कि आप ये वॉच पहन लीजिए। इनफैक्ट तब मैं ना वॉच के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, और मुझे लगता था कि ये कुछ वैसी कुछ बात बोली जा रही है, हाउ द वॉच कैन डू। तो इन्होंने मेरे को बताया कि आप इस कलर की वॉच, जिसके बारे में मैंने पूछा, तो उसको पहनाइए तो अच्छी लगेगी और सब चीजें मैनिफेस्ट होंगी। तो मैंने कहा कि चलो टेस्ट करने के लिए मैम को अपनी वॉच भेजते हैं। तो मैंने एक मेरे पास गोल्डन वॉच थी, तो उसकी फोटो खींची और मैडम को दी। तो मैडम ने फिर उसके बारे में जो जो कुछ बताया वो सब बिल्कुल सही था। तो मैडम ने ये भी बोला कि सर आपको ईगो है, इनफैक्ट है मुझे। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं सर, जिस पोजिशन पे आप हैं वहाँ ईगो होना भी जरूरी है। बट उस दिन से मैं इनके पीछे हमेशा कहता था कि मैम कब करेंगी कोर्स, कब करेंगी कोर्स। बिकॉज ये नहीं है कि कोर्स ये करती हैं, इनका पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक सा है, और ये यूनिक तरीका ऐसा है कि हर चीज अपने पे ले आती है। मैंने जब इनसे ग्रेफोलॉजी बोली थी, तो एक बार मैंने इनको बोला था कि आप गीता हैं, ये सभी चीजें वहां पे मिलती हैं। तो लेकिन अब ये रिस्ट वॉच का बोलने के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ है ना, वो सार आप हैं, क्योंकि आप केवल एज ए मेंटर नहीं बताती, आप एज ए गाइड नहीं बताती। मतलब आप एक छोटी बच्ची से शुरू होती हैं और एक मदर तक जाती हैं, मतलब वहां तक हमें सिखाने की कोशिश करती हैं। एक एक चीज बड़ा क्रिस्टल क्लियर करती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आई हैव सीन मैनी मेंटर्स, बट द यूनिकनेस इन हर इज दैट कि शी टेक ऑल द यू नो एग्जाम्पल बाय इन्वॉल्विंग हर सेल्फ कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ, मेरे बच्चों के साथ ये हुआ। सो दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग, क्योंकि अगर कोई मेंटर अपने बारे में बता रहा है तो इसका मतलब है वो जो भी पढ़ा रहा है वो बड़ा टेस्टेड है, वो सर्टिफाइड है। और बाकी जो भी हमें पढ़ाते हैं वो ऐसा होता है कि वो हमें बताने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये दिल से बताते। तो मैंने ये जो मैं हमेशा इनसे जुड़ा रहता हूँ, और हमेशा मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बोलता हूँ। तो मैंने देखा कोर्स के बाद भी ये कोर्स है, कोर्स तक ही नहीं सीमित है, ये कोर्स के बाद भी हमें बताती हैं। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमेशा इन्होंने अगर कॉल भी नहीं उठाई है तो उसके बाद जरूर फोन करके बोलेंगे, हाँ सर आप क्या कहना चाहते थे, अच्छा ये है वी है, और इन डिटेल डेप्थ होती है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी ये कोर्स देख रहे हो या जैसे भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज ज्वाइन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच सर, नहीं नहीं गॉड मैम, ब्लेस यू। ये हमारी ब्लेसिंग है मैम कि मतलब ये हमें यूनिक ना, मतलब एक कहता है ना कि जब ईश्वर कभी किसी इंसान को कुछ देता है ना तो यूनिक सी चीज देता है। तो एज ए मेंटर वी गॉट यू, इट इज नॉट लाइक दैट कि क्योंकि हर चीज ना आपने बड़े यूनिक तरीके से बताया, जो लोगों को ना दिल में लगती है कोई चीजें ना, तो वो दिल को छूती है, लेकिन आप दिल दिमाग सबको छू लेती हो, तो वो चीजें बहुत आसानी से पढ़ी जाती है। आज हम लोग जो भी प्रोडिक्शन कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो बेसिकली वो है कि इट हैज विदाउट एनी यू नो कि कोई नोट नहीं, कोई कॉपी नहीं है, देख के कर रहे हैं। तो आपसे पढ़ने से ना हमारा इंट्यूशन लेवल भी बढ़ता है, एंड सही मेंटर वही है जो आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ा दे। जैसे गुरु नानक साहब की, अगर आप संगत में हैं तो आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ गया, तभी उनके संगत में इतने लोग थे। अगर इंट्यूशन नहीं बढ़ेगा तो हम नहीं होंगे। जैसे भगवान के हम आराधना करते हैं, तो किसी भी भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो वो हमारा इंट्यूशन लेवल बढ़ता है, इसलिए हम पूजा करते हैं। अगर हमारा इंट्यूशन लेवल नहीं बढ़ेगा तो हम पूजा नहीं करेंगे। तो यू आर लाइक दैट।